हेलो फ्रेंड्स, सो आज एक नई जर्नी। आज हम जा रहे हैं दिल्ली से भुवनेश्वर, और भुवनेश्वर में हम लोग करने वाले हैं अप्रैल में YDFC 4 तोसी की तैयारी। सो हम लोग भुवनेश्वर पहुँचे, और भुवनेश्वर पहुँचते ही हम लोगों ने सबसे पहले ये फेमस पेंटिंग देखी जो पद्मश्री अवॉर्डी ने बनाई है। पहले से यहाँ पर सैंड आर्ट बहुत फेमस है, तो प्रशांत भाई पहले ही आ गए थे पुणे से, और उसके बाद मैं पहुंचा, और पहुंचते ही हम लोगों को थोड़ा सा भूख लगा, तो हम लोगों ने खाया मैगी। थोड़ा सा एक्सपेंसिव था, पर सही था टेस्ट में। ये आपने 300 रुपीज़ का एक मग उन्होंने दिया है। फिर हमने नितेश से पूछा, नितेश कहाँ है। नितेश और गौरव दोनों ही बेंगलोर से आ रहे हैं, उनकी फ़्लाइट मॉर्निंग अर्ली इन द मॉर्निंग की है। तो ये अर्ली इन द मॉर्निंग पहुँचे, फिर उसके बाद हम मॉर्निंग में पहुँचे किड्स इंस्टीट्यूट। ये वो इंस्टीट्यूट है जहाँ से मैंने अपने कैरियर की शुरुआत करी थी, और आज इस इंस्टीट्यूट में ही हम लोग अपना कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। जब मैं पीजी में था तो मैंने यहाँ पर पेपर प्रेजेंटेशन किया था, और आज इस कॉलेज में हम अपनी कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो जब मैं पीजी में था तो मैं यहाँ एज अ स्टूडेंट आया था, और आज मैं एक ऑर्गेनाइज़र आया हूँ। तो मैंने पाटी सर से, डॉक्टर धीरेन्द्र सर से बैठ के पूरा डिस्कशन किया, कुछ आगे फर्दर प्रोग्राम्स के लिए भी हम लोगों ने बहुत सारी बातें करी। डॉक्टर धीरेन्द्र सर ने, जो मेरे बड़े भाई भी हैं, उन्होंने मुझे पूरा इंस्टीट्यूट का एक मुआयना कराया कि यहाँ पर हम लोग ऐसे ऐसी चीज़ें कर सकते हैं, इस लेक्चर थिएटर में हम लोग ये काम करेंगे, ऑडिटोरियम में हम कैसे करेंगे, प्रोग्राम को किस तरीके से कोऑर्डिनेट करेंगे। तो धीरेन्द्र सर ने हम लोगों को काफ़ी गाइडेंस दी, हम लोगों को काफ़ी कुछ बताया इंस्टीट्यूट के बारे में, और हमारी कॉन्फ्रेंस में हम किस तरीके से काम करने वाले हैं, किस तरीके से क्या क्या इक्विपमेंट यूज़ करने वाले हैं, पूरा धीरेन्द्र सर ने हम लोगों को अच्छे से समझाया। मैम ने भी हम लोगों की बहुत हेल्प करी। उसके बाद धीरेन्द्र सर ने हम लोगों को इंस्टीट्यूट का एक पूरा चक्कर, पूरा एक मैप दिखाया कि भाई इंस्टीट्यूट में क्या क्या हो रहा है, किस तरीके से इंस्टीट्यूट में क्या काम चल रहा है। और फिर हम लोग आफ्टरनून में खाना खाने के बाद निकल गए पुरी के लिए। सो पुरी आप सब जानते हैं, फेमस फॉर जगन्नाथ टेम्पल, सो जय जगन्नाथ। सो यहाँ पर हम लोगों ने जगन्नाथ जी के दर्शन करे। हमारे पास बहुत ही टाइम लिमिट कम था, तो हमें नाइट में फ़्लाइट भी लेनी थी, तो उसके लिए हम लोगों ने जल्दी से जगन्नाथ जी के दर्शन। सो जगन्नाथ जी के दर्शन करने के बाद हम लोग निकल दिए अपने अलग डेस्टिनेशन के लिए। पर बहुत ही मौसम सुहाना हो गया था, 5 बजे ही ऐसा लग रहा था जैसे कि 10 बज रहे हों। हम लोगों ने एक मूर्ति भी परचेज़ करी, उसके बाद हम लोग निकल दिए एयरपोर्ट के लिए। अब एयरपोर्ट पर हम लोगों ने डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं मिलने की वजह से हम लोगों ने सबसे पहले कोलकाता का फ़्लाइट लिया, और कोलकाता के बाद हम लोगों को मॉर्निंग में गुवाहाटी का फ़्लाइट मिलेगा। सो कोलकाता के लिए हम लोगों को एक छोटे से इंडिगो के मिनी कूपर में जाना पड़ा। उसके बाद हम लोग कोलकाता में पहुँचे। कोलकाता पहुँचने के बाद हमने एक रिटायरिंग रूम लिया जहाँ हम थोड़ा सा रेस्ट कर सकें, जिससे कि मॉर्निंग में हम लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। 5 बजे हमारा फ़्लाइट है, फिर हम 5 बजे फ़्लाइट अपना आसानी से पकड़ सकें। तो नेक्स्ट ब्लॉग में आप देखोगे कि हमने गुवाहाटी में क्या क्या काम किया। धन्यवाद दोस्तों।